Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो और इस पाठ्यक्रम में आज हम जो व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुए हैं उसका शीर्षक है कर्मचारी को प्रतिकर की संकल्पना और महत्व हम सभी जानते हैं कि जब एक कर्मचारी एक श्रमिक किसी उद्योग में काम करता है तो उस उद्योग में कार्य के दौरान कभी कभी उस कर्मचारी को या फिर उस श्रमिक को कोई व्यक्तिगत क्षति हो जाती है ऐसे स्थिति में सवाल यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या कोई प्रतिकर मिलना चाहिए क्या ऐसा व्यक्ति किसी विधि के अधीन ऐसे किसी प्रतिकर के लिए योग्य है जिसके आधार पर उसको क्षतिपूर्ति दिया जा सके इसी संदर्भ में आज का व्याख्यान हम लेकर के आए हुए हैं आज के इस व्याख्यान का जो उद्देश्य है उसमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के सामाजिक सुरक्षा के पहलू को जानना क्या यह कर्मचारी के प्रतिकर के लिए जो अधिनियम बना हुआ है क्या यह विस्तृत अर्थों में सामाजिक सुरक्षा का एक अधिनियम है या नहीं इसके पश्चात इस व्याख्यान का उद्देश्य यह भी है कि कैसे औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण जब कर्मचारी को क्षति होती है तो ऐसे में हम नियोक्ता के ऊपर एक दायित्व तो अधरोपित करते हैं और उसके माध्यम से कर्मचारियों को श्रमिकों को प्रतिकर दिलाने का एक प्रावधान अधिनियम में करते हैं इस व्याख्यान का यह भी उद्देश्य है कि कैसे हम प्रतिकर के दायित्व का निर्धारण करते हैं किसी भी मामले में अगर क्षति होती है तो कितना प्रतिकर दिया जाएगा उस 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 कीमत का उस मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा तत्पश्चात तो इस व्याख्यान में हम व्यावसायिक बीमारियों के कारण उत्पन्न होने वाले परिस्थिति में एक कर्मचारी को प्रतिकर की, देने की बात की चर्चा करेंगे और और प्रतिकर के राशि के निर्धारण के विधि को जानेंगे इस व्याख्यान में हम प्रतिकर की राशि के निर्धारण हेतु मासिक वेतन की जो संकल्पना है उस संकल्पना को भी जानने का प्रयास करेंगे इस इस व्याख्यान में हम प्रतिकर के वितरण के तरीकों को जानेंगे कि किन किन तरीकों से प्रतिकर का वितरण किया जाता है एक नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी या फिर उनके आश्रितों के संदर्भ में और अंत में इस व्याख्यान में हम प्रतिकर की सूचना और दावा का जो जो प्रश्न उठता है उसको कैसे सुलझाया जाता है इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर देखेंगे अगर हम प्रतिकर की संकल्पना को देखें कर्मचारी को प्रतिकर का जो प्रावधान है इसको देखें तो सर्वप्रथम यह हम यह पाते हैं कि यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा का एक प्रावधान है और हम जैसा जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान विस्तृत अर्थों में सामाजिक न्याय की संकल्पना पर आधारित है यह कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है और इसके माध्यम से कर्मचारी को क्षति की स्थिति में प्रतिकर देने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा हम देखते हैं कि नियोजन के कतिपय वर्गों को और, और कर्मचारियों की दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के लिए उन्हें हम प्रतिकर देने का प्रावधान करते हैं यह अधिनियम नियोक्ता पर खतरनाक कार्य स्थितियों में रोजगार के दौरान उत्पन्न क्षति को पूरी करने का दायित्व अधिरोपित करता है यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वह बात यह है कि नियोक्ता अपने उद्योग के माध्यम से वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों या फिर वहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न करता है अगर उस खतरनाक स्थिति के स्वरूप कर्मचारी को कोई क्षति होती है कोई व्यक्तिगत क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को प्रतिकर कहाँ से मिलेगा और कौन देगा इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं कि व्यवसाय की प्रकृति के कारण कुछ बीमारियां होना हो जाना बहुत ही आम बात होती है और ऐसी स्थिति में क्या उस बीमारी के निदान के लिए उस बीमारी के उपचार के लिए क्या नियोक्ता पर कोई दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है और वास्तव में देखा या जाता है कि नियोक्ता के ऊपर जो यह दायित्व अधिरोपित किया गया है यह एक नैतिक दायित्व है यहाँ नैतिक दायित्व से तात्पर्य एक ऐसा दायित्व है जो अगर विधि में न भी उल्लिखित की जाए तब पर समाज यह मान करके चलेगा कि ऐसी किसी परिस्थिति में जब किसी कर्मचारी को क्षति होती है व्यक्तिगत क्षति होती है तो नियोक्ता उसे पूरित करेगा प्रतिकर प्रदान करेगा और उसे उपचार प्रदान करने का उपबंध करेगा इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिकर से संबंधित विवादों का त्वरित निपटारा करना है एक तरफ हम प्रतिकर की राशि को निर्धारित करते हैं और जब किसी कर्मचारी को कोई क्षति होती है व्यक्तिगत क्षति होती है तो ऐसे मामले में कर्मचारी को जो उसका दावा है कि उसे प्रतिकर मिलना चाहिए उस दावे का तुरंत निर्धारण करने का हम प्रावधान करते हैं और ऐसी स्थिति में जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो आश्रित हैं उन आश्रितों को प्रतिकर का प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है जैसा हमने कहा कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम है जिसके द्वारा रोजगार में नियोजित व्यक्तियों के क्षति होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा उन्हें प्रतिकर प्रदान किया जाता है इस अधिनियम से पहले दुर्घटना की परिस्थिति में जब किसी कर्मचारी को क्षति होती थी या कोई कर्मचारी व्यवसाय की प्रकृति के कारण बीमार होता था और उसका खर्चा वहन करता था तो उसे वापस पाने के लिए या फिर प्रतिकर पाने के लिए वह दीवानी न्यायालय के माध्यम से एक वाद दायर करता था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और, और कभी कभी यह भी देखा जाता था कि वाद दायर करने के बाद कर्मचारी या श्रमिक उसको अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पाते हैं और मामला खत्म हो जाता है ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की संकल्पना है यह दीवानी प्रक्रिया के विपरीत एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था देता है जहां पर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से प्रतिकर मांग सकता है और यह प्रतिकर त्वरित आधार पर प्रदान किया जाएगा हम सभी जानते हैं जैसा पिछले कुछ वर्षों से देखा जा कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि औद्योगिकरण के बढ़ने के साथ साथ मशीनीकरण का एक एक नया दौर शुरू हुआ है और जब भी किसी उद्योग में किसी कारखाने में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और वह बड़ी बड़ी मशीनों के आ, सानिध्य में काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए अत्यंत ही खतरनाकपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर ऐसी खतरनाक स्थिति से उस कर्मचारी को कोई क्षति होती है तो उस क्षति को क्यों न प्रतिकर दिया जाए क्या नियोक्ता को यह नहीं पता है कि ऐसी स्थिति में एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है और कर्मचारी को व्यक्तिगत हानि हो सकती है क्षति हो सकती है नियोक्ता यह जानते हुए कि वहाँ पर एक खतरनाक परिस्थिति है और क्षति हो सकती है वह कर्मचारी को नियोजन में रखता है और इसलिए नियोक्ता को हम नैतिक रूप से यह उसके लिए उत्तरदायी मानते हैं और यह माना जाता है कि नियोक्ता उसके लिए क्षतिपूर्ति देगा प्रतिकर देगा और और इसी संदर्भ में विधि के सुधार के लिए आंदोलन हुए और अंततः 1948 में भारत में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम बनाया गया जिसके माध्यम से कर्मचारियों को श्रमिकों को व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में या फिर किसी व्यावसायिक बीमारी की स्थिति में प्रतिकर देने का उपबंध किया जाता है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को दुर्घटना के कारण होने वाले स्थायी या अस्थायी क्षति या ऐसी योग्यता जो कर्मचारी को कार्य करने के लिए अयोग्य कर देती है तो ऐसी स्थिति में नियोजक द्वारा उसको क्षतिपूर्ति करने का दायित्व तो है और ऐसा दायित्व तो नियोजक पर अधिरूपित किया गया है इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि दुर्घटना की स्थिति में जब किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को उस व्यक्ति को उस श्रमिक को त्वरित गति से प्रतिकर प्रदान करने की एक प्रक्रिया चलाई जाए और उसे तत्काल प्रतिकर प्रदान कराया जाए दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक मदद देकर के उन्हें उस संकट से उबारने का प्रयास किया जाता है और यह अधिनियम उन कर्मचारियों के संदर्भ में लागू नहीं होता है जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कोई लाभ प्राप्त है अर्थात हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या एक कर्मचारी किसी एक अधिनियम में क्षति के लिए कोई प्रतिकर पा रहा है तो क्या वही कर्मचारी किसी दूसरे अधिनियम में उसी क्षति के लिए कोई प्रतिकर पा सकता है कि नहीं पा सकता ऐसी स्थिति में जो जो प्रावधान है जो विधिक प्रावधान है वो बहुत स्पष्ट है अगर कोई कर्मचारी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत प्रतिकर का दावा करता है तो ऐसा कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होगा अब हम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के उस स्कोप को जानने का प्रयास करेंगे उसके क्षेत्र विस्तार को जानने का प्रयास करेंगे जहाँ यह अधिनियम लागू होता है यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है इसमें सर्वप्रथम कोई खान माइन या कारखाना आता है या कोई बागान या कोई परिवहन का प्रतिष्ठान निर्माण कार्य का कोई प्रतिष्ठान रेलवे जहाज़ या सर्कस के प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को इस अधिनियम का लाभ दिलाया जाता है यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है यह अधिनियम संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों पर और ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत आने वाले कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होता साथ ही साथ यह अधिनियम उन व्यापार या व्यवसायों के संदर्भ में भी व्यवसाय के संदर्भ में भी लागू नहीं होता है जो श्रमिक के जो सामान्य श्रमिक की दशाएं हैं उसके अतिरिक्त हैं अर्थात अगर नियोजन के अतिरिक्त कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता के संदर्भ में कोई कार्य करता है कोई श्रम प्रदान करता है जो कि उसकी सेवा की शर्तों के अधीन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में किसी क्षति के होने पर उसे कोई क्षति प्रतिकर प्राप्त नहीं होता है प्रतिकर प्रदान करने का दायित्व इस अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत क्षति होने की स्थिति में उस कर्मचारी को जो प्रतिकर मिलना है उस प्रतिकर को देने का दायित्व नियोक्ता पर अधिरोपित किया गया है इस अधिनियम की धारा तीन में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह दायित्व नियोक्ता पर अधिरूपित किया गया है साथ ही साथ इस अधिनियम में इस धारा में यह भी बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो प्रतिकर का दायित्व तो अधिरूपित किया गया है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए नियोक्ता की श्रेणी में कौन कौन आता है अगर हम विस्तृत अर्थों में इसको देखें तो अधिनियम की धारा टू वन ई के अनुसार नियोक्ता से तात्पर्य व्यक्तियों का कोई निकाय है चाहे वह निगमित हो या फिर अनिगमित हो अर्थात जो नियोक्ता है नियोक्ता एक व्यक्तियों का संगठन हो सकता है और वह संगठन किसी विधि के तहत नियोजित किसी विधि के अधीन वह निगमित है या अनिगमित है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस संगठन को व्यक्तियों के उस संगठन को नियोक्ता का दर्जा दिया जाएगा और वह संगठन प्रतिकर देने के लिए दायित्व के अधीन होगा इसी के साथ ही साथ आ, किसी नियोक्ता के संदर्भ में अगर नियोक्ता का कोई अभिकर्ता है प्रबंध अभिकर्ता है तो उस प्रबंध अभिकर्ता को भी नियोक्ता के बराबर माना गया है और उस प्रबंध अभिकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह क्षतिग्रस्त कर्मचारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करें अगर हम हम किसी मृत नियोक्ता की बात करें तो किसी मृत नियोक्ता के बात में के, के संदर्भ में अगर किसी नियोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका यह दायित्व तो समाप्त नहीं होता है अगर किसी कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत क्षति होती है जो कि क्षति उसे उद्योग में काम करने के दौरान हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर उसे क्षति मिलने से पूर्व ही उसके नियोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो केवल इस आधार पर नियोक्ता के विधिक प्रतिनिधियों को कोई एग्जम्शन नहीं मिलेगा उनके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे उन पर यह विधिक दायित्व तो होगा कि वह इस धारा के अधीन जो प्रतिक्र प्रदान करने का दायित्व तो है इसका निर्वहन करें इसी के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती हैं तो ऐसे स्थिति में जो अन्य व्यक्ति है वह अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस उस कर्मचारी को हुए किसी क्षति के लिए प्रतिकर देने के दायित्व के अधीन होता है अर्थात अगर एक कर्मचारी किसी एक नियोक्ता के द्वारा नियोजित किया जाता है और बाद में किसी संविदा के अधीन किसी अनुबंध के अधीन वह नियोक्ता उस कर्मचारी को किसी अन्य नियोक्ता के यहाँ काम करने के लिए भेजता है तो ऐसी स्थिति में जो अन्य नियोक्ता है जो दूसरा नियोक्ता है उसके ऊपर यह दायित्व होगा कि क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करें और, और इसी के आधार पर हम यह देखते हैं कि एक स्वतंत्र ठेकेदार जो कि नियोजित नियुक्ता के लिए कार्यबल को सुनिश्चित करता है उसको उपलब्ध कराता है वह स्वतंत्र ठेकेदार प्रतिकर प्रदान करने के दायित्व के अधीन होगा ऐसा ठेकेदार यह नहीं कह सकता कि वह सच्चे अर्थों में नियुक्ता नहीं है यहाँ इस अधिनियम में धारा तीन में प्रतिकर के दायित्व को निर्धारित करने के पश्चात प्रतिकर के दायित्व के प्रवर्तन हेतु एक स्वतंत्र ठेकेदार को भी नियुक्ता की श्रेणी में रखने का प्रयास किया गया है जिसके माध्यम से उसके अधीन आने वाले कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति प्रदान कराया जाएगा अगर हम प्रतिकर प्रदान करने के दायित्व की संकल्पना की बात करें तो क्या यह सर्वदा उचित होगा कि हर स्थिति में प्रतिकर का दायित्व तो नियोक्ता पर अधिरोपित किया जाए क्या हमेशा और हमेशा नियोक्ता पर प्रतिकर का दायित्व तो अधिरोपित किया जाना उचित होगा ऐसी स्थिति में एक सामंजस्य बनाने के लिए अधिनियम की धारा तीन में यह भी उपबंध किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को कोई क्षति होती है कोई व्यक्तिगत क्षति होती है और उस क्षति से जो उस कर्मचारी को अस्थाई या फिर स्थाई आ, असक्तता पैदा होती जिससे वह काम करने में सक्षम नहीं हो अगर ऐसी अक्षमता केवल तीन दिनों तक रहती है तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी किसी प्रतिकर को पाने का हकदार नहीं होता स्पष्ट शब्दों में अधिनियम की धारा तीन में कहा गया है कि क्षति के स्वरूप तीन दिनों से अधिक के अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक विकलांगता ना हुई हो तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को कोई भी प्रतिकर प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात किसी व्यक्ति को अगर वो कर्मचारी के रूप में प्रतिकर की मांग करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसको जो विकलांगता हुई थी उससे व्यक्तिगत क्षति के कारण जो कार्य क्षमता में जो नुकसान हुआ था वह तीन दिन से अधिक दिनों तक के लिए विद्यमान था अर्थात उसे तीन दिनों से अधिक विद्यमान होने की स्थिति में ही क्षति पूर्ति प्रदान की जाएगी प्रतिकर प्रदान किया जाएगा इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कर्मचारी के उपेक्षा के कारण उसे कोई क्षति हो जाती है और वह क्षति बाद में एक एक भयंकर रूप में सामने आती है और वह कर्मचारी प्रतिकर की मांग करता है और अपने को क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग करता है ऐसी स्थिति में सवाल उठता है क्या ऐसे किसी कर्मचारी को जिसकी उपेक्षा के कारण कोई क्षति होती है क्या उसे क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में धारा तीन में यह भी उपबंध किया गया है कि किसी दुर्घटना के कारण लगी चोट जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी विकलंगता नहीं होती है और जिसके लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार कर्मचारी शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था या कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से दिए गए आदेश की जानबूझकर कर अवज्ञा करता है या सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए किसी भी सुरक्षा गार्ड या अन्य उपकरण को जानबूझकर हटाता या उसकी उपेक्षा करता है तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी किसी भी प्रतिकर प्राप्त करने कोई भी प्रतिकर प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा इन तीन दशाओं में जहाँ पर एक एक समय कर्मचारी किसी दवा या फिर शराब के सेवन के अधीन है या फिर दूसरी स्थिति में उसे जो सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का वो पालन नहीं करता है या उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे जो इक्विपमेंट दिए गए हैं उनका वह उपयोग नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसे कोई क्षति होती है लेकिन यह क्षति मृत्यु या फिर स्थायी विकलंगता में परिवर्तित नहीं होती है तो वहाँ पर उसे कोई भी प्रतिकर प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात हमें यह समझना चाहिए कि प्रतिकर का जो दायित्व तो है यह दायित्व हमेशा और हमेशा नियोक्ता पर अधिरोपित नहीं किया जाता इसके लिए इन उपबंधों का भी पूरा किया जाना आवश्यक है जब कर्मचारी की तरफ से कोई उपेक्षा न की जाए इसके साथ ही साथ जो प्रतिकर देने की प्रावधान किया गया है यह प्रावधान व्यावसायिक बीमारियों के संदर्भ में भी उपलब्ध है कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं कुछ ऐसे नियोजन होते हैं जहाँ पर नियोजन की प्रकृति के कारण व्यवसाय की प्रकृति के कारण कुछ बीमारियाँ कर्मचारी को हो जाती है ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या उस कर्मचारी को कोई प्रतिकर प्रदान किया जाएगा या उसके उपचार के लिए उसे कोई क्षतिपूर्ति दी जाएगी कि नहीं ऐसी स्थिति में अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि संपीड़ित हवा अविरक्त विकिरण में काम करने के कारण होने वाले रोग या फिर रासायनिक या चमड़े की प्रसंस्करण इकाई के कारण त्वचा तो रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो ऐसी बीमारी के संदर्भ में उसे उपचार के लिए प्रतिकर प्रदान किया जाएगा उसके नियोक्ता के द्वारा यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसका केवल और केवल कारण वहाँ पर व्यवसाय की प्रकृति है नियोजन की प्रकृति है इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बीमारी का अनुबंध इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्घटना से हुई चोट माना जाएगा अर्थात प्रतिकर प्रदान करने के लिए यह माना जाएगा कि यह बीमारी एक दुर्घटना है और यह दुर्घटना उस कर्मचारी के नियोजन के संदर्भ में हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उस कर्मचारी को नियोजन के दौरान प्रतिकर के लिए योग्य माना जाएगा अगर हम इन बीमारियों की चर्चा करें तो अधिनियम की अनुश्चिति में व्यावसायिक बीमारियों की एक लंबी लिस्ट दी गई है जहां पर यह बताया गया है कि किस प्रकार के उद्योग में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और यहां पर जो विधिक उपबंध है वह यह सुनिश्चित करता है कि अगर एक व्यक्ति को जो किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय में काम कर रहा है और उस विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए अनुसूची में एक बीमारी का होना सुनिश्चित किया गया है और वह बीमारी अगर किसी कर्मचारी को होता है तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि यह बीमारी उसके नियोजन के परिणाम स्वरूप हुआ है उसके व्यवसाय के परिणाम स्वरूप हुआ है उसको अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे स्थिति में उस कर्मचारी को प्रतिकर के लिए योग्य माना जाएगा और नियुक्त का यह दायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारी को प्रतिकर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रदान करे प्रतिकर के दायित्व के निर्धारण के पश्चात हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रतिकर की राशि कितनी होती है अगर प्रतिकर की राशि का निर्धारण नहीं किया जाता है तो प्रतिकर के दायित्व के बाद भी नियोक्ता उस दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा या फिर मनमाने ढंग से कम या अत्यंत कम राशि को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का प्रयास करेगा ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि कौन सी स्थिति में कितनी राशि का प्रतिकर दिया जाना होगा ऐसे में अधिनियम की धाराचार में प्रतिकर के निर्धारण का एक स्पष्ट उपबंध दिया गया है और ऐसी स्थिति में पहला जो प्रावधान है वो यह कहता है कि जहाँ पर एक कर्मचारी की मृत्यु चोट के परिणाम स्वरूप हुई है अगर जो व्यक्तिगत क्षति हुई है उस क्षति के परिणाम स्वरूप किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसे जो प्रतिकर प्रदान किया जाएगा वह प्रतिकर उसकी मासिक मजदूरी के 50 परसेंट के बराबर की राशि या फिर जिसको प्रासंगिक कारक से गुणा किया जाएगा इसके पश्चात राशि का निर्धारण किया जाएगा अर्थात अगर एक कर्मचारी का मासिक वेतन निर्धारित किया गया है तो उस मासिक वेतन का 50 परसेंट और फिर उसमें जो प्रासंगिक कारक है उससे उसको गुना किया जाएगा अगर हम प्रासंगिक कारक की बात करें तो प्रासंगिक कारक की चर्चा इस अधिनियम के अनुसूची में की गई है और वहाँ पर अगर आप प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दें तो प्रासंगिक कारक एक सबसे युवा कर्मचारी के लिए सबसे अधिक होता है और सबसे वृद्ध कर्मचारी के लिए सबसे कम होता है क्योंकि माना यह जाता है कि एक वह कर्मचारी जो अभी युवा है जिसे अभी लंबा जीवन जीना है जिसे क्षति की स्थिति में या फिर किसी व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ज़्यादा प्रतिकर सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है यहाँ यह भी उपबंध किया गया है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसे जो प्रतिकर दिया जाएगा उसका निर्धारण या तो उसके मासिक वेतन के पचास परसेंट जिसको कि प्रासंगिक कारक से गुना करके निकाला जाएगा या फिर एक लाख बीस हजार रुपये जो भी इसमें से अधिक होगा वह दिया जाएगा तो अगर आप देखते हैं कि किसी कर्मचारी को अगर अगर मासिक वेतन कम है और उसका जो प्रासंगिक कारक गुणांक है वह भी कम है और उसके क्षति उसकी जो प्रतिकर है उसका उसका जो निर्धारण हुआ एक लाख रुपए तक नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दूसरा प्रावधान लागू होगा और उसे एक लाख बीस हज़ार रुपये तक का प्रतिकर भुगतान किया जाएगा दूसरी स्थिति में जहाँ पर चोट के कारण किसी कर्मचारी को पूर्ण अक्षमता हो जाती है स्थाई अक्षमता हो जाती है वैसी स्थिति में जो राशि का निर्धारण है वह विभिन्न तरीके से किया गया है अगर एक कर्मचारी जिसे पूर्ण अक्षमता हो गया है अब उसके लिए जीवन ज़्यादा कष्टदायक होगा उसकी आय का साधन भी खत्म हो गया है उसका कोई नियोजन भी नहीं हो सकता और वो जीवित भी है ऐसी स्थिति में कर्मचारी को दिया जाने वाला जो प्रतिकर है उसका निर्धारण उसके मासिक वेतन के 60 परसेंट को उसके जो प्रासंगिक कारक है उससे गुना करके निर्धारित किया जाएगा और यदि ऐसा गुणांक एक लाख चालीस हजार रुपये से कम है तो वहाँ पर उसे अधिकतम एक लाख चालीस हजार रुपये तक का प्रतिकर प्रदान किया जाएगा इसके पश्चात हम ये भी देखते हैं कि जहाँ स्थाई आंशिक अक्षमता चोट के परिणाम स्वरूप होती है वहाँ पर उस कर्मचारी को कितना प्रतिकर दिया जाएगा प्रतिकर का निर्धारण कैसे किया जाएगा अनुसूची इस इस अधिनियम के अनुसूची एक के भाग दो में सूचीबद्ध चोटों की दशा में मुआवजे का ऐसा प्रतिशत जो स्थायी पूर्ण क्षमता के मामले में देव होता है जैसा कि उस चोट के कारण कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में वर्दिष्ट अर्थात हम यह देखते हैं सामान्य शब्दों में जब किसी कर्मचारी को एक स्थायी क्षति होती है और पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जो उसके आय की क्षमता है वह पूरी तरह से समाप्त हो गई है अगर आय की क्षमता पूरी तरह से समाप्त होने के लिए एक प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है और दूसरी तरफ अगर जो आय की क्षमता है जो कमाने की क्षमता है या फिर कार्य करने की क्षमता है वह केवल और केवल आंशिक रूप से खत्म होती है तो ऐसी स्थिति में उसमें किस अनुपात में उसकी क्षमता का की कमी हो रही है उसी अनुपात में उसके प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा अर्थात जहाँ पर सौ प्रतिशत कार्य क्षमता के ख़त्म होने पर एक राशि निर्धारित की गई है वहाँ पर दस प्रतिशत कार्य की क्षमता के कम होने पर या फिर 10 प्रतिशत कार्य की क्षमता होने पर उसी अनुपात में उसे प्रतिकर प्रदान किया जाएगा और उसी अनुपात में प्रतिकर का निर्धारण इस हाँ अधिनियम के चार के अनुसार किया जाएगा इसके साथ ही साथ जहां एक कर्मचारी को अस्थायी पूर्ण या आंशिक अक्षमता चोट के कारण का के परिणाम स्वरूप उस उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में उसे उसके मासिक वेतन के 25 प्रतिशत का भुगतान अर्धमासिक आधार पर किया जाएगा अर्थात एक कर्मचारी जिस जिसको अस्थाई पूर्ण या आंशिक अक्षमता छोट के कारण उत्पन्न हुई है उसे एक 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 नियमित भुगतान किया जाएगा और यह नियमित भुगतान उसके मासिक भुगतान के पच्चीस प्रतिशत के बराबर होगा और यह भुगतान हर पंद्रह दिन पर किया जाएगा लेकिन यहाँ पर सीमित समय के लिए यह भुगतान किया जाएगा उस समय के उपरांत उस कर्मचारी को ऐसी किसी असक्तता के लिए अक्षमता के लिए कोई प्रतिकार प्रदान नहीं किया जाएगा इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि जब नियोक्ता पर एक दायित्व तो अधिरोपित किया गया है तो नियोक्ता पर दायित्व तो अधिरोपित करने के पश्चात यह देखा जाता है कि नियोक्ता क्या उस दायित्व का निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है यदि नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित दायित्व का निर्वहन नहीं करता है या फिर उसके निर्वहन में असफल रहता है तो क्या उसके विरुद्ध कोई उपबंध बनाया गया है अगर विधि में केवल यह उपबंध ला दिया जाए कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में प्रतिकर प्रदान करेगा लेकिन उसे प्रवर्तित करने का कोई माध्यम नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा इस प्रावधान को असफल किया जा सकता है और नियुक्ता कर्मचारी को प्रतिकर देने से बचेगा या बचने का प्रयास करेगा ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के अधीन जहाँ कोई नियोक्ता इस अधिनियम के तहत देय मुआवजे का भुगतान करने में चूक करता है वह देय होने की तारीख से एक महीने के भीतर आयुक्त निर्देश देगा और नियोक्ता बकाया राशि के अलावा प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से उस पर या फिर कोई उच्च दर जो निर्धारित किया जाए साधारण ब्याज का भुगतान करेगा अर्थात अगर नियोक्ता पर यह दायित्व तो निर्धारित किया गया है कि नियोक्ता उसके नियोजन के अधीन आने वाले किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और ऐसा नियोक्ता ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान करने में असफल रहता है उसे ऐसी क्षति होने के उपरांत एक महीने के अंदर क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव अधिरोपित किया जाएगा और नियोक्ता को यह कहा जाएगा कि वह प्रतिकर की राशि के साथ साथ उस प्रतिकर पर 12 प्रतिशत के प्रतिवर्ष के हिसाब से उस पर एक साधारण ब्याज का भी भुगतान करेगा तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस अधिनियम के तहत नियोक्ता पर यह दायित्व तो अधिरोपित किया गया है और नियोक्ता अगर इस दायित्व तो को पूरा करने में असफल रहता है तो उस पर अतिरिक्त दायित्व तो अधिरोपित किया जाता है जिससे उसके एक एक डर के कारण नियोक्ता अपने दायित्व तो का समय पर निर्वहन करे यहाँ पर यह जानना उचित है कि जब किसी कर्मचारी को ऐसी कोई क्षति होती है तो क्षति के दौरान उसकी आर्थिक जो क्षमता है उसके आय की जो साधन है वह समाप्त हो जाता है ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी आर्थिक असुरक्षा के दौर से गुजरता है और अगर कोई कर्मचारी आर्थिक असुरक्षा के दौर से गुजरता है और ऐसी स्थिति में उसे प्रतिकर के भुगतान किए जाने में देरी होती है तो इसका कर्मचारी के जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और और ऐसी स्थिति में जो आर्थिक खर्चे हैं उसके निर्वहन करने में उस कर्मचारी को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस दायित्व का यथाशीघ्र निर्वहन किया जाना चाहिए यथाशीघ्र इसे पालन किया जाना चाहिए इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो आयुक्त अपॉइंट किया जाता है इस अधिनियम के जो के अधीन जो आयुक्त की नियुक्ति की जाती है आयुक्त के पास अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत राशि पर जुर्माना और ब्याज लगाने की शक्ति है अगर जो निर्धारित राशि है उस निर्धारित राशि का नियोक्ता के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नियोक्ता है उसके ऊपर आयुक्त के द्वारा जुर्माना और ब्याज दोनों अधिरोपित किया जा सकता है इसे हम समझ सकते हैं कि यह अधिनियम इस दायित्व के निर्वहन को लेकर के कितना सचेत है विधि बनाने वाले विधि निर्माणकों को यह पता है कि अगर इस प्रावधान का उचित रूप से प्रवर्तन नहीं किया जाएगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव कर्मचारियों के जीवन पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में जुर्माना और ब्याज लगाने की शक्ति आयुक्त को प्रदान की गई है अब जो सामान्य सा प्रश्न है वह प्रश्न यह है कि जब किसी कर्मचारी के प्रतिकर के निर्धारण में उसके मासिक वेतन का का महत्वपूर्ण स्थान है तो हमें यह जानना चाहिए कि मासिक वेतन होता क्या है और उस मासिक वेतन का निर्धारण कैसे किया जाता है जब तक हम मासिक वेतन का निर्धारण नहीं करेंगे जब तक हम मासिक मजदूरी का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम उसके कि, कि, किसी कर्मचारी के के व्यक्तिगत क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसे दिया जाने वाला प्रतिकर भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस अधिनियम की धारा पांच में मासिक वेतन की गणना किए जाने का प्रावधान दिया गया है इसके तहत मासिक वेतन का अर्थ एक महीने की सेवा के लिए दे समझी जाने वाली कोई राशि है मासिक वेतन जैसा कि इसके सामान्य अर्थ से ही परिलक्षित होता है मासिक वेतन एक ऐसा वेतन है जो एक माह कार्य करने के लिए किसी कर्मचारी को प्रदान किया जाता है चाहे वेतन महीने के हिसाब से दिए हुए या किसी अन्य अवधि या टुकड़े टुकड़ों में भागों में दिया जा रहा हो अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि उस मासिक वेतन का भुगतान हमेशा और हमेशा मासिक स्तर पर ही किया जाए अगर भुगतान एक दिन के स्तर पर अगर भुगतान एक सप्ताह के आधार पर या फिर भुगतान पंद्रह दिनों के आधार पर किया जाता है तब पर भी वहाँ पर मासिक वेतन एक एक सुनिश्चित वेतन होगा जिसे निर्धारित किया जाएगा और जिसके आधार पर प्रतिकर की राशि का निर्धारण किया जाएगा धारा पांच के अनुसार जहाँ कर्मचारी नियोक्ता की सेवा में रहा है जो मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कर्मचारी का मासिक वेतन उसके कुल वार्षिक वेतन के बारहवें भाग के बराबर होगा अर्थात किसी नियोजन में कोई कर्मचारी पिछले बारह महीने में कितना वेतन पाया या कितना वेतन पाने के योग्य था अगर इस राशि को हम निर्धारित कर लेते हैं तो ऐसी राशि को बारह उसके उसके बारहवें भाग को हम मासिक वेतन मानेंगे और इसके आधार पर हम मासिक वेतन का निर्धारण करेंगे और मासिक वेतन के आधार पर उस कर्मचारी को दिए जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा जहाँ यह अधिनियम यह भी उपबंध करता है कि जहां दुर्घटना से तुरंत पहले सेवा की पूरी निरंतर अवधि एक महीने से कम थी अर्थात एक कर्मचारी नियोजन में सम्मिलित होता है और नियोजन की शुरुआत के ही दिनों में उसे कोई व्यक्तिगत क्षति हो जाती है और यह ऐसी क्षति उसे उद्योग में कार्य के करने के दौरान होती है तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि उसका मासिक वेतन कैसे निर्धारित किया जाएगा ऐसा व्यक्ति अभी अपने पहले महीने के काम के, के लिए कोई वेतन नहीं पाया है तो क्या ऐसी स्थिति में मासिक वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा जबकि दूसरी तरफ आवश्यकता यह है कि प्रतिकर का जो निर्धारण होगा उसके लिए मासिक वेतन का निर्धारित किया जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में अधिनियम यह कहता है कि मासिक वेतन औसत मासिक राशि होगी जो दुर्घटना से ठीक पहले बारह महीनों के दौरान एक ही नियोक्ता द्वारा समान कार्य पर नियोजित कर्मचारियों द्वारा अर्जित किया जा रहा है अर्थात उसी नियोक्ता के द्वारा उसी कार्य के लिए किसी और कर्मचारी को नियोजन में रखा गया है वह नियोजित कर्मचारी पिछले 12 महीने में कितना वेतन पाता है उसके आधार पर किसी अन्य कर्मचारी जो कि अभी एक महीने तक काम नहीं किया है या एक महीने से कम काम किया है उसके मासिक वेतन का निर्धारण किया जाएगा अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि मासिक वेतन का निर्धारित किया जाना कर्मचारी के प्रतिकर के निर्धारण के लिए एक एक आवश्यक घटक है तो ऐसी स्थिति में हमें प्रावधान जो दिए गए हैं उस प्रावधानों के आधार पर किसी भी परिस्थिति में मासिक वेतन की गणना करने के लिए एक प्रयास करना चाहिए अन्य मामलों में जहाँ पर ऐसा कोई कर्मचारी उपलब्ध ना हो जो समान कार्य में पिछले 12 महीने से लगा हो तो ऐसी स्थिति में मासिक वेतन नियोक्ता से दुर्घटना से ठीक पहले की अंतिम निरंतर सेवा अवधि के संबंध में अर्जित कुल वेतन का 30 गुना होगा अर्थात अगर एक कर्मचारी की किसी एक दिन दुर्घटना होती है उसे व्यक्तिगत क्षति होती है और उस क्षति के दिन से पहले के दिन उसने एक, एक एक वेतन मिला हुआ था उसके दिन के आधार पर एक वेतन मिला हुआ था तो उस दिन के आधार पर प्राप्त हुए वेतन के आधार पर मासिक वेतन की गणना की जाएगी और तत्पश्चात उसे मिलने वाले प्रतिकर की गणना की जाएगी तो हमने यहाँ पर यह देखा कि अगर किसी कर्मचारी को पिछले बारह महीने से वेतन मिला है एक महीने से कम वेतन मिला हुआ है या फिर केवल एक दिन वेतन मिला हुआ है इन तीनों के आधार पर मासिक वेतन की गणना की जा सकती है और उसके आधार पर प्रतिकर की गणना की जाएगी प्रतिकर का वितरण सामान्य सा प्रश्न यह उठता है कि अगर कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना से पीड़ित है और उसे कोई व्यक्तिगत क्षति होती है तो उसे जो मिलने वाला प्रतिकर है उस प्रतिकर का वितरण उसके आश्रितों में कैसे होगा यहाँ पर उस प्रतिकर का आश्रितों में वितरण से तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी उस व्यक्तिगत क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत क्षति होने पर उसकी मृत्यु की स्थिति में उसे जो प्रतिकर की राशि मिलने वाली है यह राशि उसके आश्रितों में विभाजित की जाएगी और और इस संदर्भ में इस अधिनियम की धारा दो में आश्रित को परिभाषित किया गया कौन कौन आश्रित की परिभाषा में आएगा जो व्यक्ति आश्रित की परिभाषा में नहीं आ रहा है वह किसी मृत व्यक्ति के संदर्भ में कोई क्षतिपूर्ति पाने के लिए या कोई प्रतिकर पाने के लिए दावा नहीं कर सकता है अधिनियम के धारा आठ के उपबंधों के अनुसार मृत्यु के लिए देह क्षतिपूर्ति और किसी महिला या कानूनी रूप से विकलांग व्यक्ति को देह मुआवजा केवल और केवल आयुक्त के माध्यम से दिया जाएगा अर्थात आयुक्त को यह निर्धारित करना होगा कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई है तो उसके कौन कौन से आश्रित हैं और उन आश्रितों के बीच में उस प्रतिकर की राशि का बंटवारा कैसे किया जाएगा इसके साथ ही साथ आयुक्त को यह भी शक्ति प्रदान की गई है कि अगर किसी महिला को कोई प्रतिकर दिया जाना है या फिर किसी विकलांग व्यक्ति जो आश्रित के रूप में किसी प्रतिकर को पाने का हकदार है तो ऐसी स्थिति में उस विकलांग व्यक्ति का जो दावा है उसे जो प्रतिकर प्रदान किया जाना है वह प्रतिकर किसे कब और कैसे प्रदान किया जाएगा इन इन सभी प्रश्नों का जो निर्धारण है यह आयुक्त के द्वारा किया जाएगा इसके साथ ही साथ नियोक्ता मृत्यु के मामले में आश्रितों को मृतक व्यक्ति के तीन महीने के वेतन के बराबर अग्रिम भुगतान कर सकता है अगर अगर किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मृत्यु की स्थिति में जो उसके आश्रित हैं उन आश्रितों के लिए एक आर्थिक असुरक्षा का दौर उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें आर्थिक असुरक्षा से लड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा के हेतु आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वह आश्रितों को जब तक कि उसे प्रदान किए जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण ना हो सके उसके दावों का निर्धारण ना हो सके ऐसी स्थिति से पूर्व जो आयुक्त है आयुक्त उन्हें उस कर्मचारी के तीन महीने के बराबर के वेतन का भुगतान कर सकता है जिससे वह अपनी आर्थिक असुरक्षा से लड़ सकें नियुक्ता को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है यदि वह निर्धारित समय के भीतर आयुक्त के पास मुआवजे की राशि जमा कर देता है अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि जब भी किसी दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी व्यक्तिगत क्षति होने पर वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर सीधे तौर पर नियोक्ता के पास उस प्रतिकर के लिए नहीं जाता है बल्कि नियोक्ता के दायित्व का निर्धारण किया जाता है और नियोक्ता के दायित्व निर्धार के निर्धारण के बाद नियोक्ता ऐसा भुगतान आयुक्त को करता है और आयुक्त फिर अपनी तरफ से उस उस भुगतान को पुनः प्रतिकर के रूप में या तो उस व्यक्ति कर्मचारी को देता है जो अभी जीवित है या फिर अगर ऐसे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उन आश्रित आश्रितों के बीच में उसे विभाजित करता है तो यहाँ पर यह देखना उचित है कि यहाँ पर प्रतिकर का भुगतान सीधे तौर पर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को नहीं किया जाता है माना यह जाता है कि किसी भी नियोजन में किसी भी उद्योग में जो नियोक्ता होता है उसका अपने श्रमिकों पर प्रभुत्व होता है अगर हम यहाँ पर आयुक्त की भूमिका को आ, हटा करके देखें तो तो संभवतः यह हो सकता है कि एक कर्मचारी आ, प्रतिकर की स्थिति में उसे जो क्षतिपूर्ति की स्थिति जो मिल रही है जो क्षतिपूर्ति मिल रही है वह क्षतिपूर्ति उसे नियुक्ता के द्वारा केवल और केवल एक एक आंशिक रूप से या फिर अनुचित तरीके से प्रदान किया जाएगा और उस पर फिर किसी अधिकारी का किसी आयुक्त का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा इस स्थिति से बचने के लिए प्रावधान यह किया गया है कि नियुक्ता ऐसे प्रतिकर की राशि को निर्धारण के पश्चात आयुक्त के पास जमा करेगा और आयुक्त उसका भुगतान कर्मचारी अगर वह जीवित है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों के बीच में बांटेगा प्रतिकर के वितरण में धारा आठ के उपबंधों के तहत आयुक्त मृतक के सभी आश्रितों को बुलाएगा और उनके बीच मुआवजे की वित, के वितरण की विधि निर्धारित करेगा अर्थात किसी कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके आश्रित कौन कौन हैं और कौन कौन से आश्रित जो इस अधिनियम के तहत दावा करने के लिए सक्षम माने गए हैं उनका 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 निर्धारण करने के बाद उनके बीच में उस प्रतिकर की राशि को बांटने का एक उपबंध करेगा यहाँ पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी आश्रितों का जो आश्रित की परिभाषा में सम्मिलित हैं उन सभी आश्रितों को वहाँ पर एक एक प्रतिनिधित्व मिले और सबको प्रतिकर में एक भाग मिले अगर कुछ आश्रित मिलकर के उस प्रतिकर को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ पर अन्य आश्रित भी हैं जो उसको प्रतिकर नहीं मिलता है या उसमें कोई भाग नहीं मिलता है तो ऐसे में फिर से ऐसे आश्रितों के लिए एक आर्थिक असुरक्षा का माहौल या स्थिति पैदा होगी यदि कोई आश्रित नहीं पाया जाता है तब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि प्रतिकर कहाँ जाएगा जैसा हमने देखा कि प्रतिकर के दायित्व के निर्धारण के पश्चात नियोक्ता उस प्रतिकर का भुगतान आयुक्त के पास कर देता है वह नियोक्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वह जो राशि है उस राशि को वह नियोक्ता के पास सॉरी आयुक्त के पास जमा कर देता है आयुक्त के पास जमा करने के पश्चात अगर आयुक्त आ, उस दावा करने वालों को उसके लिए बुलाता है और उसे पता चलता है कि इस मृतक कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है या किसी आश्रित का यह दावा नहीं है कि वह ऐसा प्रतिक्र ले तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि वह राशि कहाँ जाएगी उस राशि का क्या होगा तो ऐसी स्थिति में जैसा हम जानते हैं कि जब प्रतिकर देने का दायित्व तो अधिरोपित किया जाता है नियोक्ता के ऊपर तो यह नियोक्ता के खर्चे को बढ़ाता है अगर किसी स्थिति में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए कोई आश्रित आगे नहीं आता है या कोई आश्रित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त उस प्रतिकर की राशि को वापस नियोक्ता के पास भेज देगा यह स्पष्ट लिखा गया है यदि कोई आश्रित नहीं पाया जाता है तो नियोक्ता को राशि वापस कर दी जाएगी अर्थात यह राशि सरकार के पास नहीं जाएगी यह राशि आयुक्त के पास नहीं रहेगी इस राशि का किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता इसके साथ ही साथ नियोक्ता के अनुरोध पर आयुक्त संवितरण का वितरण प्रस्तुत करे विवरण प्रस्तुत करेगा अर्थात नियोक्ता यह अनुरोध कर सकता है कि उसके द्वारा जमा की गई जो राशि है जो प्रतिकर की राशि है वह किन किन आश्रितों में किस तरीके से वितरित की जा रही है उसका जो स्कीम बना हुआ है उस स्कीम को नियोक्ता को जानने का अधिकार है और उसके लिए वह आयुक्त से आग्रह कर सकता है कि उसे उस विवरण को दिखाया जाए प्रतिकर की सूचना और दावा जब भी किसी कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत क्षति होती है दुर्घटना के परिणाम स्वरूप और कोई कर्मचारी क्षति के परिणाम स्वरूप प्रतिकर पाने के लिए हकदार है या अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके आश्रित प्रतिकर पाने के लिए हकदार हैं तो ऐसी स्थिति में प्रावधान यह बनाया गया है कि प्रतिकर की सूचना ऐसे व्यक्तियों की दी जाएगी और उसके बाद उनके दावों को आमंत्रित किया जाएगा अधिनियम की धारा दस के अनुसार मुआवजे का दावा करने के लिए दावेदार नियोक्ता को दुर्घटना की सूचना देगा अर्थात यह दायित्व कर्मचारियों पर अधिरोपित की गई है कि अगर उन्हें कोई व्यक्तिगत क्षति होती है तो उस क्षति की सूचना वह अपने नियोक्ता को देंगे और वहाँ पर प्रतिकर की मांग करेंगे यह अलग बात है कि नियोक्ता प्रतिकर की राशि निर्धारित होने के पश्चात आयुक्त के पास जमा करता है लेकिन इसकी मांग का सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त व्यक्ति के की ओर से आना आवश्यक है और अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो मांग है जो दावे की मांग है वह उसके आश्रितों के द्वारा की जाएगी इसके साथ साथ ऐसा कोई भी दावा सूचना पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा इस इस उद्देश्य हेतु नियुक्ता को एक सूचना पुस्तिका रखनी होगी और उसमें यह दर्ज किया जाएगा कि कौन सा कर्मचारी किस व्यक्तिगत क्षति के लिए आ, कौन सा क्षतिपूर्ति वह मांग रहा है अगर इस सूचना को आ, दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा रखा नहीं जाएगा तो नियोक्ता अपने दायित्व से बचने के लिए यह कह सकता है कि उसके समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा इसके पश्चात ऐसी प्रत्येक सूचना में घायल व्यक्ति का नाम उसका पता चोट का कारण और दुर्घटना की तारीख दर्ज की जाएगी ऐसी सूचना ऐसी ऐसी पुस्तिका में व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में उस व्यक्ति के जो उसका नाम है उसका जो पता है और उसको किस तरह से दुर्घटना हुई और दुर्घटना की तारीख क्या थी ये सारी सूचना उसमें सम्मिलित की जाएगी दुर्घटना की तारीख से दो साल के भीतर आयुक्त को दावा का आवेदन प्रस्तुत करना होगा अब अब यहाँ पर जो परिसीमा दी गई है वह परिसीमा बहुत ज़्यादा है परसीमा दो वर्ष का है अगर किसी कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत क्षति होती है तो उस कर्मचारी के द्वारा या उसके आश्रितों के द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया जाना है वह दावे का जो आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकतम समय है वह दो वर्ष तक का दिया गया है इसके पश्चात व्यावसायिक बीमारी के मामले में दुर्घटना बीमारी के पहले दिन हुई मानी जाएगी जैसे सामान्यतः हम यह देखते हैं कि अगर किसी कर्मचारी को उसके व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रकृति के कारण व्यवसाय में रहने के कारण कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर सामान्य सा प्रश्न यह उठता है कि उसे किस दिन से बीमारी हुई क्योंकि जब तक उस दिन का निर्धारण नहीं किया जाएगा तब तक उसे क्षतिपूर्ति उसके उसे प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाना संभव नहीं होगा ऐसी स्थिति में उपबंध यह कहता है धारा दस के उपबंध में यह दिया गया है वह कहता है कि ऐसी स्थिति में ऐसे किसी कर्मचारी को जो बीमारी होती है यह बीमारी नियोजन के प्रथम दिन से माना जाएगा और उस दिन से दो साल के अंदर जब उसे पता चले कि ऐसी बीमारी हुई है दो साल के अंदर अपना दावा वह प्रस्तुत कर सकता है यदि नोटिस में कोई दोष है या फिर नोटिस नहीं दिया गया है या विलंब आवेदन दिया गया है तो ऐसी स्थिति में मुआवजे या फिर जो उसका प्रतिकर है उसके दावे पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा यहाँ पर जो विधि है इसका उद्देश्य अंततः दावे का वितरण किया जाना है दावे का भुगतान किया जाना है अगर किसी नोटिस में या सूचना में कोई कमी पाई जाती है तो केवल इसके आधार पर इन दावों के भुगतान को विलंबित नहीं रखा जाएगा और कर्मचारी या फिर उनके आश्रितों को यथाशीघ्र भुगतान किए जाने का उपबंध किया जाएगा यहाँ हम ये यह देखते हैं कि जो प्रतिकर प्रदान करने की करने का दायित्व तो नियोक्ता के ऊपर अधिरोपित किया गया है इस दायित्व तो के निर्वहन हेतु तो, इस दायित्व तो के निर्धारण हेतु तो, यहाँ पर आ, कर्मचारियों के ऊपर यह एक, एक दायित्व तो अधिरोपित किया गया है कि वह प्रतिकर प्राप्त करने के लिए उनका जो दावा है उस दावे की सूचना देंगे अगर किसी कर्मचारी को किसी दुर्घटना के फलस्वरूप कोई व्यक्तिगत क्षति होती है और वह अपनी इस क्षति की सूचना अपने नियोक्ता को नहीं देता है और नियोक्ता उसके इस दावे से अनभिज्ञ है तो ऐसी स्थिति में दावे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर आवश्यकता यह है कि प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए प्रतिकर की सूचना दिया जाए और प्रतिकर की सूचना के पश्चात जो कर्मचारी या फिर जो उसके आश्रित हैं वह अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे आयुक्त के द्वारा आयुक्त के पास तो अब आयुक्त के लिए आ, यह, यह आवश्यक है कि वह देखे कि क्या कोई आवेदन किया गया है क्या कोई दावा किया गया है प्रतिकर को प्राप्त करने का अगर ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाता है या फिर ऐसा कोई आ, आ, दावा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त कोई भी भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है दूसरी तरफ अगर ऐसी किसी दावा में कोई कमी पाई जाती है ऐसे किसी आवेदन में कोई कमी पाई जाती है सूचना या नोटिस में कोई कमी पाई जाती है तो केवल इस मात्र आधार पर आयुक्त दावे के फलस्वरूप जो प्रतिकर की राशि है उसे वितरित करने के लिए उसे मना नहीं किया गया है अर्थात यहाँ पर देखना आवश्यक यह है कि आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि नहीं आवेदन में कमी होना एक अलग बात है और आवेदन न प्रस्तुत किया जाना एक अलग बात है आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिकर प्रदान नहीं किया जाएगा लेकिन अगर कोई प्रस्तुत आवेदन है और उसमें कोई कमी है तो केवल उस कमी मात्र से आवेदन के फलस्वरूप प्रतिकर प्रदान नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं है और अंततः आयुक्त ऐसी स्थिति में जो प्रावधान धारा दस में दिए गए हैं उसके अनुसार दावे का निर्धारण करता है प्रतिकर का भुगतान करता है अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के जो सामाजिक सुरक्षा का पहलू है उस पहलू को हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे यह कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है और जैसे ही हम कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला यह अधिनियम है यह सामाजिक न्याय की संकल्पना से संदर्भित हो जाता है इसके पश्चात हमने इस व्याख्यान में यह भी देखा कि कैसे औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के बढ़ने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है और दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों को व्यक्तिगत क्षति जो कभी कभी मृत्यु के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है उसी की संख्या बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में इस विधि का विकास होना अपरिहार्य है और ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारी को जो जिनको क्षति हो रही है प्रतिकर दिया जाना बहुत ही आवश्यक है इसके पश्चात हमने इस व्याख्यान में यह भी देखा कि औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त कर्मचारियों को नियोक्ता से निर्धारित क्षतिपूर्ति देने का उपबंध है अर्थात नियोक्ता के पास के पास यह अधिकार नहीं है कि किसी मामले में वह निर्धारित करेगा कि प्रतिकर की राशि कितनी होगी प्रतिकर की राशि नियोक्ता के द्वारा निर्धारित न की जाएगी बल्कि धारा तीन और चार में दिए गए उपबंधों के अनुसार धारा चार के विशिष्ट उपबंधों के अधीन उसे निर्धारित किया जाएगा इसके पश्चात जो जो प्रतिकर प्रदान करने का दायित्व है उस दायित्व का निर्धारण किया गया है और इस दायित्व के निर्धारण के संदर्भ में जो नियोक्ता है या फिर नियोक्ता के आ, नियुक्ता की ओर से जो कोई भी इसके लिए दायित्व के अधीन होगा उसको आ, उसकी पहचान की गई है हमने इस व्याख्यान में यह भी देखा कि कैसे व्यावसायिक ब्या, बीमारियों की स्थिति में भी ऐसे किसी कर्मचारी को जो किसी बीमारी से गुजरता है या किसी बीमारी के फलस्वरूप उसे उसे उपचार हेतु तो, खर्चे बहन करते पड़ते हैं तो कैसे उसे प्रतिकर प्रदान करने का प्रावधान किया जाता है इस अधिनियम में हमने प्रतिकर की राशि को निर्धारित करने के लिए और उस निर्धारण में मासिक वेतन के निर्धारण की भूमिका का भी अध्ययन किया और तत्पश्चात प्रतिकर के वितरण के तरीके को जाना किस तरह एक एक आयुक्त इस प्रतिकर का भुगतान किसी कर्मचारी को या फिर उसके आश्रितों के बीच में उसका वितरण करता है इसके पश्चात अंत में हमने प्रतिकर की सूचना की जो आवश्यकता है और दावे का का जो प्रस्तुतिकरण है जो आवेदन का प्रस्तुत किया जाना है उसकी आवश्यकता को भी हमने देखा यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को, को कोई क्षति होती है और उस क्षति के परिणाम स्वरूप व क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में उसे सर्वप्रथम उसकी सूचना अपने नियुक्ता को देना होगा और नियुक्ता उसके लिए सूचना पुस्तिका में उसको दर्ज करेगा तत्पश्चात उस 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 कर्मचारी को अपने क्षतिपूर्ति पाने के लिए अपना आवेदन आयुक्त के पास प्रस्तुत करना होगा और आयुक्त जब ऐसे आवेदन को वह पाता है अपने यहाँ वह आवेदन उसके पास आता है तो उसके आधार पर वह प्रतिकर की राशि का निर्धारण करता है जो नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मचारी या फिर उसके आश्रितों को भुगतान करने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आयुक्त की एक 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 भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है जो नियुक्ता और कर्मचारी के बीच में प्रतिकर के वितरण के माध्यम के रूप में है और अगर इस इस आयुक्त को यहाँ से हटा दिया जाता है और यह अधिकार केवल और केवल नियुक्ता को दे दिया जाता है तो वहाँ पर नियोक्ता द्वारा इस प्रतिकर प्रदान करने के प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है इस व्याख्यान में हमने कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले प्रतिकर से संबंधित अपराधानों को विस्तृत में देखा धन्यवाद